साल 2019 हिंदुस्तान की राजनीति के लिए इतना अहम रहा कि खानदानी सीट तक गंवा गए राहुल गांधी और अमेठी में जिस तरह से करारी हार दी वो सीधे तौर पर एक शिकस्त जो थी वो कांग्रेस को ही, और कांग्रेस जो थी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिरकार 2014 में जो एक लहर थी, जो एक सोच थी नरेंद्र मोदी के नाम की, वो इतनी काबिज हो गई लोगों के दिलों में कि उनको जो हटाने की जो कोशिश है उसमें नाकामी सीधे तौर पर देखने को मिली। राहुल गांधी की जो एक मान प्रतिष्ठा टिकी हुई थी अमेठी की सीट पर, उसकी हार के बाद इतना भी साहस नहीं रहा कि राहुल गांधी जो है अब नेतृत्व के लिए आगे आ सके। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हार की जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया उस पर कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिखे जो सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना थे। उनका सीधे तौर पर कहना था कि जो सत्ता पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो एक ऐसी हिंसा और ऐसे दर्द को जन्म देगा जिससे माइनॉरिटीज, अनएम्प्लॉयड और साथ ही साथ किसानों को एक सीधे तौर पर कीमत जो है उसकी चुकानी पड़ेगी। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा कि अब लोकतंत्र जो है वो कमज़ोर हो रहा है, आरएसएस का जो उद्देश्य था कि देश के संस्थानों पर कब्जा करना वो भी पूरा हो रहा है। इसी सभी मसले पर बात करेंगे युद्धवीर सेठी जी से, जो भाजपा की आवाज़ जो है समय समय पर बनते हैं। युद्धवीर जी, सत्ता पर कब्जा किया है भारतीय जनता पार्टी ने और एक ऐसी हिंसा और दर्द को जन्म देगा जिसे सीधे तौर पर बेरोजगार और जो किसान है जिसे कहते हैं कि अन्नदाता, साथ ही साथ ये एक भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी हिंदुस्तान की जनता को। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से कल इस्तीफा दिया वो इस्तीफा नहीं था, वो एस्केप था जी। उन्होंने जो अपना दायित्व था, जो कभी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कहकर जिन्होंने इलेक्शन लड़े, उसके बाद आज वो वहाँ के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी भी निभा सकने में पूर्ण संपूर्ण नहीं है। इस डर की वजह से उन्होंने एस्केप किया राजनीति से। लेकिन सवाल तो वो सीधे तौर पर भाजपा पर उठा रहे हैं कि भाजपा सत्ता के लिए इतनी ज़्यादा लालची हो गई है कि उसका नुकसान आने वाले समय में, क्योंकि आपने पिछली बार भी राज किया, इस बार भी राज किया, दो बार आपके एमपीज जो आए, प्राइम मिनिस्टर आपके आए, लेकिन उनको लगता है कि अब भुगतना जो है आम जनता को पड़ेगा। ये लोगों द्वारा, लोगों के द्वारा चुनी गई लोगों की सरकार है, लोगों ने फुल मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, जो पिछले 5 साल का कार्य था उस पे विश्वास रखते हुए इस बार अगले 5 साल भी नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में उन्होंने सत्ता डाली। बाकी रहा सवाल राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, 70 साल के बाद भी आज उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको लोग जो जनादेश देते थे उनको आज वो ख़त्म कर चुके हैं, उन पर विश्वास उठ चुका है कांग्रेस पार्टी पे, राहुल गांधी के ऊपर। आज भी वो एक अच्छी ऑपोजिशन की भूमिका ना निभाते हुए आज भी आरएसएस या बीजेपी के ऊपर जो तोमत लगा रहे हैं ये भी उनका एक बचपना है। सीधे तौर पर राहुल गांधी कहते हैं कि अब तो एक महज ही एक रस्म ही रह जाएगी, जिस तरह से चुनावी समीकरण बन रहे, लोकतंत्र में एक रस्म रह जाएगी चुनाव, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब इन्होंने 70 वर्ष राज किया, जब लोगों को इन्होंने लूट खसूट की, जब इनका हाथ लोगों की जेब में और गिरेबान पे रहा, लोगों ने अब उस प्रथा को ख़त्म किया। इन्हीं की सरकार में अगर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे वो चुन्नी बंद करते थे, और इतना बड़ा फैसला 500 के नोट बंद करने का जिस व्यक्ति में साहस है वो नरेंद्र भाई मोदी थे। इनकी राज में 65-71 की लड़ाई जीत के भी हम वो युद्ध हारे थे, और नरेंद्र भाई मोदी जी के राज में हमने शत्रु के गिरेबान में जाके उन आतंकवादियों को ख़त्म किया, और अपना देश के जिन आतंकवादियों ने, जिस सेना ने हमारे फौजियों को यहाँ पे आके शहीद किया था, उनकी निर्मम हत्या की थी, उनका बदला लिया। ऐसे 56 इंच कद के सीने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने बड़ा बोना कद लग रहा था राहुल गांधी जी को,
उनको पता है कि वो इस वक्त परास्त हो चुके हैं, आने वाले आगे जो रियासतों के इलेक्शन है पर आपने परास्त, आपने हार की बात की, छत्तीसगढ़ की बात की, ले लीजिए मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, जितनी सीटें उनकी भारी भरकम सीटें आई थी तो हार का सामना उस समय भाजपा को करना पड़ा था, लेकिन अचानक से वो तख्ता पलट होता और राजस्थान में खाता भी नहीं खुलता इस तरह से, तो वो क्या वजह रही कि लोगों ने असेंबली इलेक्शन पर तो कहीं ना कहीं विश्वास किया लेकिन लोकसभा चुनाव के? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीन तीन टर्म के बाद जी। हम लोग अगर हारे भी हैं तो कई जगह हमारा वोट बैंक प्रतिशत बड़ा था, कांग्रेस से ज़्यादा था। राजस्थान की बात करें तो कुछ कारण हो सकते हैं, पर लोगों ने 6 महीने के अंदर इन तीनों सरकारों को देख लिया और उन्होंने तभी उन्होंने जान लिया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में क्या फ़र्क है, एससी ओबीसी या गरीब वर्ग के लिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता के नाम पे, यही एक सरकार है जो 70 सालों के बाद जिसके प्राइम मिनिस्टर हाथ में झाड़ू उठाकर एक ऐसा लक्ष्य लेकर चलते हैं कि जो श्रम करने वाले जो व्यक्ति थे, जो सफाई करती थे, उनकी तुलना उन्होंने अपने आप जो सिंहासन पे बैठे हैं और जो स्वच्छता का काम कर रहे हैं, उन्होंने एक संकेत दिया कि कार्य में कोई भी फर्क नहीं होता, फर्क सिर्फ होता है तो हृदय में होता है, हर व्यक्ति समान है, ऐसी भावना लेकर अगर पहला संदेश दिया तो निंदर भाई मोदी जी ने दिया, यही कारण है इन लोगों के हारने के। मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर भी राहुल गांधी कहते हैं कि देश में जिस तरह से हमले हो रहे हैं तो भारत के ढांचे को छिन्न भिन्न करने की एक कोशिश जो है वो भाजपा कर रही है। मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं, घटनाक्रम जो इसके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि इसमें कुछ ऐसी ताकतें संलिप्त हैं जो चाहती हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को कहीं ना कहीं उनका अपमान किया जाए। पर कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है, सरकार बढ़ चढ़ कर इसका विरोध करती है, इसके कानून के तहत इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है और इन लोगों को सावधान भी करती है। ऐसे उनका कहना कि हिंसा को जन्म दे रही है भाजपा, उनका कहना है कि सीधे तौर पर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप न्यू इंडिया की बात करते, गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि आप न्यू इंडिया की बात करते, हमें पुराना इंडिया चाहिए जहाँ पर हर धर्म का शख्स जो था एक साथ था, लेकिन आपके नए इंडिया में यहाँ पर नफरत है, यहाँ पर हिंसा है। ये पुराना इंडिया तो चाहते ही चाहते हैं, ये EVM मशीन नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि फिर दोबारा वही ठप्पा लगे और ये हेरा फेरी करें। ये लोग वो लोग हैं जो ईमेल नहीं चाहते, पोस्टकार्ड चाहते हैं, ये लोग पेट्रोल की चलती हुई गाड़ियां नहीं चाहते, ये फिर बैलगाड़ी चाहते हैं। आपको आपने एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, हाल ही में सोनिया गांधी ने कहा कि आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं रेलवे की, उन्होंने कहा कि आप ATM की जगह Paytm लेकर आए, अब हर एक संस्थान पर आप कहीं ना कहीं BSNL की जगह Jio लेकर आए, अब हर एक संस्थान को प्राइवेटाइज क्यों करना चाहते हैं, क्यों गवर्नमेंट सेक्टर के दायरे में नहीं रहने देना? प्राइवेटाइजेशन में जब भी हो कोई कार्य प्रणाली आती है तो उसमें कंपटीशन आता है, हार कर कहीं ना कहीं जो उसका आखिरी रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट कंज्यूमर की फेवर में जाता है। आप कभी भी सोच सकते हैं जो 16 रुपए की काल थी आज कंपनियों में होड़ है, इतनी सस्ती कॉल है, आप भी देखते होंगे आज आप जी का इस्तेमाल या जियो का इस्तेमाल या एयरटेल का इस्तेमाल करते हैं, आज 4G का जमाना 5G का जमाना आ गया, ये कहाँ बात कर रहे हैं, BSNL वही BSNL आज फिर थका हुआ हारा हुआ चल रहा है लोग। लेकिन वो तो सरकार का एक संस्थान था, उसको मजबूती क्यों नहीं? देखें सरकार की संस्थान और प्राइवेटाइजेशन के जो दौड़ चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, आगे बढ़ने की जो दौड़ है होड़ है, उसके अंदर आम व्यक्ति को भी उतना हक है आगे बढ़ने का। और राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि अडानी और अंबानी की सरकार और जिस तरह से सीधे तौर पर यहाँ पर विपक्ष बार बार कटाक्ष जो है प्रधानमंत्री पर करता है, राफेल का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा, वो कहते हैं कि हर चीज़ में आप एक पर्टिकुलर इंसान को या एक इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा पहुँचाओ, उस पर आप क्या कहें? कंपटीशन का दौर है, जिस प्रकार कोयले की खदानों में इन लोगों ने हेरा फेरी की थी, इतना बड़ा घोटाला किया था अपने मुंह तक, इन्होंने काले रंग लिए थे उसके अंदर, आज उन्हीं कोयले की खदानों के जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो आज जिस एक खदान की जितनी कीमत थी उस वक्त दी गई थी, उतनी कीमत में हमने सारी खदानें दे दी, ये चोरी थी, डाका था,
इन लोगों ने एक कोटा सिस्टम बना रखा था, अपने हाथ में सब कुछ रखा हुआ था। आज वो बाजार लोगों के हाथ में ओपन बाजार जा रहा है, जिससे लोगों को सहूलियत हो रही है। आज आप देखें रोड के क्षेत्र में, देखें आप बसेस देखें अपनी, आज आप ट्रेन्स देखें, आज आप अब हवाई जहाज देखें, आज आज उसके अंदर साधन बढ़ रहे हैं, कहीं कम नहीं हो रहे। और लोग चाहते हैं सस्ते में बढ़िया, और हम जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसी प्रणाली के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसको विपक्ष ने, जो भाजपा ने हथियार जो था हमारे खिलाफ बनाया। ये वही मशीनरी थी जो करप्ट मशीनरी थी, इनके हाथों में खेलती थी। ये पहली बार हुआ कि कस्टम के और आईएएस के 14-15 आते ही आईएएस ऑफिसरों को बाहर निकालना, उन करप्ट लोगों को बाहर निकाल के नए लोगों को लाना, जिसके कारण कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था राहुल गांधी के जमाने थी, जो परिवारवाद था, हर व्यक्ति उस परिवार को खुश करने की प्रथा के साथ, का क्या उद्देश्य पूरा हुआ है हर संस्थान पर कब्जा करने का? आरएसएस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के लिए कार्य करती है, जहां पे कहना कि ये पैतृक एक ऐसा संगठन है जिससे नींव रखी थी भाजपा की। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रजा परिषद के पहले अध्यक्ष बनाए गए, तो एक ऐसे संगठन जिनकी सोच थी कि ये जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति, जो देश की संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं ये पाश्चात्य की तरफ लेके जा रहे हैं, उस चीज़ से लड़ने के लिए संगठन के साथ साथ राजनीतिक विचारधारा भी ऐसी सोच होनी चाहिए जिससे कि हम राजनीतिक दायरे में आके लड़ सकें। इसके लिए प्रजा परिषद का एक गठन किया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उनके पहले अध्यक्ष थे, जिन्होंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर और जम्मू को में एक संविधान, एक झंडे के लिए और एक निशान के लिए पहले उसी व्यक्ति ने यहाँ पे आके अपनी शहादत दी थी। और उस शहादत के बाद आज भारतीय जनता पार्टी पहली बार कांग्रेस मुक्त, अगर कोई पार्टी देखें, 303 सीटें लेके सबसे बड़ी गैर कांग्रेसी पार्टी जिसने इस देश की सत्ता संभाली है, और 5 सालों के बाद विश्वास के साथ दोबारा सीटें बढ़ाकर लोगों ने बिठाया है, फिर भी इनकी दिमाग में ये चीज समझ नहीं आ रही। आखिरी सवाल आपसे करूंगी, भाजपा जब चुनावी रैलियों को संबोधित करती थी, या तमाम लीडर्स आपके संबोधित करते थे, सीधे तौर पर वहां पर कटाक्ष करते थे कि कांग्रेस में कोई गैर गांधी परिवार का नहीं आ सकता, लेकिन राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि आप ढूंढिए कौन ऐसा शख्स है जो पार्टी को मजबूती दो, तरक्की के जो रास्ते खोले। अब लगता है कि जो भाजपा ने एक आरोप लगाया था वो सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद इस्तीफा दे दिया और राहुल गांधी कह रहे कि अब आप ढूंढिए और नेतृत्व के लिए जो भी शख्स आपको लगता है सही है उसको नेतृत्व दीजिए। ये प्रेसिडेंट एस्केप कर चुका है, भाग चुका है, इनके पास तो ये दागदार पार्टी है, दागदार नेता इनके पास हैं, इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जमीन घोटाला का केस इनके ऊपर चल रहा है, पूरा परिवार का परिवार इनका जवाबी केसों के अंदर संलिप्त है। इनको तो आज भी कोई ऐसा नेता कांग्रेस में नहीं दिख रहा जो दागदार ना हो, पता नहीं किसको ये कांग्रेस पार्टी के सिर पे बिठाएंगे या ना बिठाएंगे, या ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है, वापसी कि साफ छवि के साथ राहुल को फिर वापस लाया जाए, इसका तो हम अभी कह नहीं सकते। पर कांग्रेस के पास जिस प्रकार नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी की पूरी लाइन है, इनके पास आज भी आप अपने आप 3 नाम ऐसे गिना दें जो कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी को संभाल सकें। शुक्रिया। साफ तौर पर युद्धवीर सेठी जी का कहना है, हो सकता है ये एक नया गेम प्लान हो, राजनीतिक उठा पटक हो रही है, या फिर सीधे तौर पर कहें जिस तरह से आलोचनाओं का बाजार गर्म था और राहुल गांधी को आलोचनाओं का सामना सोशल मीडिया पर भी करना पड़ रहा था या फिर विपक्ष से करना पड़ रहा था, तो एक सवाल ये भी उठता है कि परिस्थितियों ने राहुल गांधी को हराया या फिर तजुर्बे की कमी ने राहुल गांधी को हराया, और आगे जाकर कांग्रेस का जो भी नेता नेतृत्व करेगा क्या वो उस आंकड़े को छू पाएगा जो राजीव गांधी के समय जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो कहते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐतिहासिक जीत जो थी वो भाजपा को, जो कहीं ना कहीं करारी हार उस समय देखनी चाहिए कि वो एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस ने हासिल की थी जो अभी भी भाजपा के जहन में है, और उस समय इतना आंकड़ा छुआ और इस समय ये भी एक
कोशिश है कि क्या बहुमत तक जो है कांग्रेस आ सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और साहस जो है डगमगा गया और राहुल गांधी ने सीधे तौर पर इस्तीफा दिया है। हालांकि तमाम नेताओं ने उनको मनाने की कोशिश की, अशोक गहलोत, ज्योतिनाथ सिंधिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अब टस से मस नहीं होंगे, अब वो एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। वो पारी किस तरह से होगी ये तो आने वाली समय ही बताएगा। इसी के साथ कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।